शुभ बच्चों सभी को, कल पिछली कक्षा में हम कविता पद गुड़िया के बारे में अभ्यास किया था। पद को जान लिया हमने और पद के जो शब्दार्थ थे कठिन शब्दार्थ को भी जाना है, और प्रश्न कविता से जो पहले प्रश्न थे क ख ग आपने उसको लिखकर मुझे भेजा है व्हाट्सएप। कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है, ठीक है, मगर आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न दो, तुम्हारी बात, यानी जो इस पद से हम आप सीखे हैं उसको आप लिखना है। तुम्हारी बात में क पहला, खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा, पद से जो लिया गया है, लेखक कवि कहते हैं कि कुंवर शिव नारायण। खेल खिलौने की दुनिया में मैं तुम्हें अप्सरा सुंदर कन्या बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे, आप बचपन में जब छोटे थे आप क्या किए हैं, आप भी बहुत सारे खिलौनों से खेले हैं। आपने किसी खिलौने के बारे में बताओ, प्रश्न दो में क का उत्तर आपको क्या लिखना है, जो आप बचपन में जिन जिन चीजों से खेले हैं या आपका बहुत पसंदीदा खिलौना है। तो सबके लिए एक एक खिलौने पसंद रहते हैं, बहुत ही फेवरेट जो रहते हैं, उस खिलौने के बारे में आप लिखना है। जैसे गुड़िया के बारे में लिखा है, आप गिल्ली डंडा हो या गेंद हो, बल्ला गेंद हो या कंचा हो, बहुत सारे कंचा, हम तो बहुत कंचे खेले हैं, आप भी खेलेंगे, तो उन खिलौनों के बारे में जो आपको बहुत पसंदीदा खिलौना था उस खिलौने के बारे में आपको लिखना है। कौन सा खिलौना आपको पसंद है, वह खिलौने से आप क्या क्या खेलते थे, कैसे खेलते थे, उस खिलौने की कैसे सजाते थे आप, उसको अलंकार करके कहां रखते थे, कैसे खेलते थे, तो आप ही को ही लिखना है। आगे बढ़ेंगे हम। ख, मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया। जब हम कोई वस्तु लेते हैं, खिलौने लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, क्या करते हैं, उस वस्तु की मोल भाव करते हैं। मोल भाव करके अगर हमारे मन को पसंद आए वो मोल, तभी हम खरीदते हैं, और उस वस्तु को क्या करते हैं, हम बजाकर सही तरीके से है या टूटा है या फूटा है, अच्छा है क्या नहीं, डैमेज है क्या नहीं, अगर डैमेज है तो हम नहीं लेते, दूसरे खिलौने लेते हैं। इस तरह है, अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौने खरीदना हो तो अगर आप मेले में गए या बाजार में कहीं पर भी गए, भीड़ में गए, आप आपका पसंदीदा खिलौना लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखेंगे, आप अपने पसंदीदा खिलौना लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, उस वस्तु की जांच परीक्षा कैसे करेंगे, यह भी आपको ही लिखना है। आपके पसंदीदा खिलौना लिखिए, उस खिलौने के बारे में आप, उस वस्तु के बारे में कैसे आप जांचेंगे, परीक्षा करेंगे। जब कवि ने गुड़िया लिया, ठोक बजाकर मोल भाव करके लाया, अगर आपका कोई मन पसंदीदा खिलौना अगर आप खरीदना चाहे, लेना चाहे, तो कैसे कैसे जांच करेंगे, परीक्षा कैसे कैसे करेंगे उस खिलौने की, ख को भी आप लिखना है। आगे बढ़ेंगे ग। ग, ग में क्या है, मेले से लाया हूं, इसको
छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? ग का प्रश्न का उत्तर आप ही को ही लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्न क्या है? कवि ने मेले को गए थे और गुड़िया खरीद कर लेके आए। क्यों खरीद के ले गए? वह छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी थी। यदि तुम आपके गांव के मेले में जाओगे तो क्या खरीदोगे, कौन से खिलौना खरीदोगे और वही खिलौना क्यों खरीदोगे आप, उसको खिलौना लिखिए और उस खिलौने को आप क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों आपको वह मन पसंद है। इसलिए ग का भी आप ही को ही लिखना है। प्रश्न दो क ख ग यह सब आपके मन पसंदीदा आपके विचार में आप ही को ही लिखना है। अब प्रश्न तीन, प्रश्न तीन है मेला। मेला है भारत, जो हमारा भारत देश है, आचार विचार संस्कृति का देश है। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगाते हैं, कोई देवता का पूजा देवी का पूजा हो मेले लगता है। कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे मेले हैं जो उसी गांव में नहीं बहुत दूर दूर तक दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके बारे में क्या करना है आपको, क क क्या है, क तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ। आपको क्या लिखना है, आपके गांव के मेले के बारे में लिखना है, यानी आपके गांव में कौन सा मेला होता है। मुदोल में होता है, पांच वर्ष के एक बार होता है, दुर्गा देवी का ग्राम देवती के जात्रे होता है मेला होता है, और सही साहब दरगाह का मेला होता है, उरुसोत कहते हैं उसको। मेले के बारे में बताओ, आपके प्रदेश के मेले के बारे में, यानी आपको लिखना है कि मुदोल में पांच वर्ष के एक बार दुर्गा देवी यानी ग्राम देवी का मेला होता है, और वर्ष में एक बार दरगाह का उर्स सैसावली दरगाह का उर्स होता है। पता करो कि माला क्यों लगते हैं, मेले क्यों करते हैं, पता लगा के लिखिए। वहां कौन कौन से लोग आते हैं, मेले में कौन कौन से लोग आते हैं, सब लिखना है। वहां कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं, कोई लोग आके आके क्या क्या करते हैं, क्या क्या बेचते हैं मेले में, जो आप गए हैं जो अनुभव हुआ है आपका उसी को लिखना है। इस काम में तुम पुस्तकालय, वह कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। क में पहला प्रश्न है अपने प्रदेश के मेले के बारे में लिखो और वह मेला क्यों लगता है, और लोग आके कौन कौन से लोग आके क्या क्या करते हैं या क्या क्या बेचते हैं, क्या मेले में आप सब देखे हैं क्या क्या बेचते हैं, सब लिखो। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। ये प्रश्न के उत्तर लिखते समय आपके घरों दादा दादी नाना नानी या पापा मम्मी से पूछे कि वर्ष में एक बार उर्स क्यों होता है, पांच वर्ष में क्यों एक बार देवी का मेला होता है। ले जानकारी पूछकर आप लिख सकते हैं। तो मेले के बारे में आप क्या करना है, आपके प्रदेश के मेले के बारे में लिखना है, वह क्यों होता है, वह कैसे कैसे लोग आते हैं, वह लोग क्या क्या करते हैं, यह सब आप जानकारी बड़ों से प्राप्त कर
अपने अपने प्रदेशों के बारे में लिखना है, कुछ बच्चे मुदौल के हैं, कुछ अन्य स्थान के, कुछ दूसरे दूसरे विलेज से हैं, अपने अपने गांव का लिखना है। और ख प्रश्न तीन में ख क्या है, अगर तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला, पुस्तक मेला यानी वहां हर तरह के पुस्तक आए रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े ग्रंथों तक पुस्तक मेले में आपको कैसी चाहिए वैसे पुस्तक मिलते हैं, उसको पुस्तक मेला कहते हैं। फिल्म मेला यानी अब भारत में करते हैं, एक एक राज्य में भारत फिल्मोत्सव करते हैं, उस फिल्म में भारत में जितने भी भाषाएं हैं अच्छे अच्छे फिल्मों को वहां दिखाया जाता है फिल्मोत्सव में, वैसे फिल्म मेला में। और व्यापार मेला यानी सब तरह के कपड़े, गहने, सजावटी सामान, सब तरह के दुकान वहां एक ग्राउंड में सजाकर, ऐसे लाइन में सजाकर दुकान पे हम देखते हैं, कपड़ों की दुकान, इलेक्ट्रिक सामानों की दुकान, घर के वस्तु, हर तरह के सजावटी वस्तु, शोकेस में रहने वाले हर तरह के दुकान कर वहां व्यापार मेला करते हैं। ऐसे मेले में आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिला तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे, क्यों। यहां आपको क्या लिखना है, आपको पुस्तक मेले में जाना है, क्यों जाना है लिखना चाहिए। अगर आपको फिल्म कोई भी एक के बारे में आपको कौन सा पसंद है, तीन में एक, पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला, कौन से मेले में आप जाना चाहते हैं, मैं इस मेले में जाने को इच्छित हूं, जाना चाहता हूं, और क्यों, आप क्यों वहां जाना चाहेंगे, उसका कारण लिखना है। प्रश्न तीन में क और ख इतना आपको लिखना है। प्रश्न चार, कागज के फूल। आपको पता है कि गुड़िया कविता में कवि ने क्या किया है, रंग बिरंगे कागजों के लेकर उनको फूल बनाकर अपनी अलमारी में सजा कर रखा है, वैसे ही आपको कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ऑर्गेमिक यानी वेस्ट सामानों से यूजफुल सामान बनाना, और ये ऑरिगेमी कहा जाता है, जो कागज से तरह तरह के सजावटी वस्तुओं बनाना, उसमें फूल भी एक है, उसी कला को कागज से जो हम सजावटी सुंदर सामान बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, उस कला को क्या कहते हैं, ऑरिगेमी कहते हैं। बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट यानी जो चीज उपयोग नहीं उसको प्रयोग करके हम कुछ सुंदर नए वस्तुएं बनाना, तुम भी कागज के फूल या वस्तु बनाकर दिखाओ। आपको कल और इतवार दो दिन समय है, तो रंगीन कागज से एक फूल बनाओ या कोई एक आकर्षणीय सुंदर वस्तु बनाओ, जो बनाते हैं आपको निर्भर रहता है, आप टाइम लेकर बनाए। और हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न चार, कागज से आपको कोई भी एक फूल या कोई भी सुंदर सा वस्तु सा सजावटी सामान बनाना है, घर की बात में है, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं, हमारी घर की बोली यानी हमारे मदर टंग में क्या कहते हैं, गुड़िया,
उड़िया को हम बॉम्बे, बॉम्बे कहते हैं ना, डॉल भी कहते हैं बॉम्बे डॉल, फुलवरी फुलवरी यानी फूगुच्छ, हूगळ समूह हूगुच्छ, नुक्कड़ तिरु तिरुगुर क्रॉस, चुनरी वेल, उड़नी नोती प्रश्न ऐदु घर की बात, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं, गुड़िया को बॉम्बे डॉल अंतिवे, फुलवरी के हू गुच्छ अंतिवे, नुक्कड़ना तिरुवोज अंतिवे, चुनरी वेल अंतिवे, ओढ़नी अंतिवे। सो राइट डाउन दिस वन, आगे बढ़ेंगे हम। मैं हम, मैं एक वचन, हम बहुवचन। आपको पता है जब एक वचन है तो वाक्य कैसे आएगा, अगर बहुवचन है तो वाक्य कैसे बदलाव होगा। मैं मेले से लाया हूं इसको, मैं मेले से लाया हूं इसको, हम मेले से लाए हैं, लाया हूं एक वचन, लाए हैं। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के साथ मैं एक वचन को हटाकर हम दो बहुवचन को रखा तो वाक्य में कुछ शब्द बदल जाते हैं, बदलने में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदलकर लिखो। ऐसे ही आपको भी नीचे एक वाक्य, एक वचन के वाक्य दिए हैं, हमको उन्हें बहुवचन में लिखना है। मैं आठवीं कक्षा में पढ़ती हूं, एक वचन है, हम आठवीं कक्षा में, हम आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं, हम आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं। बहुवचन में क्या होता है, थोड़ी सी बदलाव आती है। देखिए, मैं आठवीं कक्षा में पढ़ती हूं लड़की, अगर लड़का हो तो मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता हूं आता। यहां क्या है, हम यानी बहुवचन, लड़की भी, लड़कियां भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं। हम आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, ख, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। क्या है, मैं जब मेले में जा रहा था, अगर मैं के स्थान पर हम बहुवचन आया तो मैं
हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश हो रही। इसको लिखिए ग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं यानी हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैं के जगह में हम आए तो ऐसे बदलाव वाक्य में होते हैं, छोटी सी कुछ बदलाव होते हैं। इसको लिखिए शब्दों की दुनिया, यानी खेल के साथ हम अभ्यास भी सीखेंगे, अभ्यास भी हो जाएगा, खेल भी हो जाएगा, खेल के साथ मनोरंजन भी हो जाएगा। कैसे करना है? दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करना है, यानी वर्ल्ड बिल्डिंग। शब्द होने के एक शब्द होने के बाद जो अंतिम अक्षर है उसको पहला अक्षर बन के उससे शब्द निर्माण करना है। जैसे आप कहते हैं अंताक्षरी, एक गाना गाते हैं, उस गाने के जो अंतिम अक्षर होता है उसी अक्षर से दूसरा गाना प्रारंभ करना। वैसे ही यहां में उदाहरण में दिया है मेला, ला आया है ला से लाल, ल आया है लगन, न आया है नया, याद आया है सो एक शब्द से, मेला शब्द से हम चार शब्द को लिखना है। यहां दिया है पिया, पिया से हमको दूसरे शब्द बनाना है। पिया कौन सा है? याद। द, दवाई। ईमानदार। र, रानी। राय है यहां हम रवि लिखी। देखिए पिया या अंतिम अक्षर या से शुरू करके शब्द बनाना है। याद, द, दवाई, ई, ईमानदार, र, रवि। इस तरह से आपको क्या करना है? नए नए शब्द बनाने हैं। खोल,
आप दूसरे दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, इसी अक्षर से प्रारंभ करके नए शब्द आप भी अपने स्वंत विचार से आप भी लिख सकते हैं, आप भी दूसरे भी लिख सकते हैं। खो है शब्द ल, लड़ाई, खो ल लड़ाई, ई इनाम, ई इनाम, म महीना, ना ना, चार शब्द, खो ल, ल से लड़ाई, ई से इनाम, म से महीना, ना से ना। आप दूसरे दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। शिशुमन, आप क्या कीजिए, ल से मैंने लड़ाई ली, आप दूसरे शब्द लिख सकते हैं, दूसरे दूसरे शब्द लिखकर विचार करके दूसरे शब्द लिखने से आपका जो शब्द भंडार है वो ज्यादा हो जाएगा, आसानी से आप हिंदी बोलने सीखने आपको आसान हो जाएगी। तो इस तरह आपका पहला पद गुड़िया का विवरण हो, शब्दार्थ हो, प्रश्नोत्तर हो, सब कुछ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या है पहली कविता में आप मुझे पूछ सकते हैं भी।